अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अदर गुड फार्म्स एंड फॉरेस्ट्री की जानिब से हैदर अली आपकी खिदमत में हाजिर है। ये देखें कि जो लोग लोगों ने कमेंट्स किए थे कि ये जो भालू और बादामी इतने हैवी वेट जो गोट्स हैं मुनव्वर अली भाई के जो नासरा स्कूल के पास लोकेटेड है, वो जो है वो मकसद है कि उनको जो है वो हैंड फीडिंग करते हैं। और दूसरे तमाम शौकीनों को जो है ना ये अर्ज़ है कि आप देख लें, अपने आँखों से देख लें कि ये हैंड फीडिंग पे नहीं है, ये सेल्फ़ फीडिंग पे है। अभी इसने मेरे सामने अच्छा खासा चारा खाया है और ये देखें, ये जो है ना ओरिजिनल जो है ना इसे क्या बोलते हैं वो मेल बकरा है, ब्रीडर बकरा है, आंडू जिसे कहते हैं। जिसको भी शक है वो अपना शक दूर कर लीजिए, ना इसे कोई इंजेक्शन लगाई गई है, ना ही कोई मसला किया गया है। इन बकरों ने जो है वो खुरम मेहमान साहब की दो बकरियों को ब्रीड भी किया है, सही है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये किस तरीके से जो है ना वो इनको प्यार करते हैं और ये फिर खाना भी खाते हैं माशाल्लाह से, सुभान अल्लाह। अब आपको दिखाते हैं कि जो है ना वो कैसे खाता है ये बकरा। ओन फीडिंग है, कोई हैंड फीडिंग नहीं है। हैंड फीडिंग वाला जो है वो अलग तरीके का बकरा होता है, ओन फीडिंग वाला अलग होता है। ये आप देख सकते हैं, ये भी अपना जो है वो खारिश उतारेगा इस तरीके से। ये आपको एक्सक्लूसिवली दिखाया जा रहा है ताकि जो है वो आपको इस बात के बारे में पुख्तगी हो जाए। आप देख सकते हो ओरिजिनल मेल जो है ना गोट्स हैं ये, कोई मकसद है कि ये ऐसे बकरे नहीं हैं कि जो है ना वो लोग कहें कि यार ये तो खसी होंगे इसलिए इतने वज़नी बने हैं और ये अलिफ बे जीम दाल, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये जो है वो आपके सामने जो है ना इनको खिलाया जा रहा है, तो अभी इनका पेट भरा हुआ है, लेकिन वो आपके सामने भालू ने तो खाया, ये भी अभी प्यार कर रहा है अपने मालिक के साथ, तो उस वजह से जो है वो थोड़ा सा मकसद है कि टाइम ले रहा है खाने में। लेकिन ये जैसे ही खाना शुरू करता है तो आपको ज़रूर हम दिखाएंगे। ओन फीडिंग है, कोई जो है ना तो क्या बोलते हैं हैंड फीडिंग नहीं है, अपनी मर्ज़ी से जो है ना तो वो खाते हैं। ये आपके सामने आप देख सकते हैं इसको, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बारिश करते हुए बारिश करते हुए। ये आप देख सकते हैं ये खाएगा, ये असल में इनके भी बेटे भी कहते हैं कि ये खुद से जो है ना तो क्या बोलते हैं हम देते हैं तो नहीं खाता है, अब्बू देते हैं तो ही खाता है, उसकी इनकी वजह से कहीं जा भी नहीं सकते, तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है कि कोई इलाका जो है वो कहीं को घूमना हो, कहीं कुछ करना हो तो मकसद है ये नहीं जाते। फिर अगर ये चले भी जाते हैं ज़बरदस्ती तो फिर जो है वो इनकी जो है वो वीडियो जो है ना इतने क्या बोलते हैं वो हो जाती है। बस आप ही दे दें, आप ही दे दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मनोहर भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ये आप बताएं कि कुछ लोगों ने कमेंट किए थे कि इतने भारी बकरे ऊपर से आंडू जो है ना थे वो अपने मकसद खुद से खाने वाले नहीं होते और वो जो है ना उनको हाथ से जो ठुसाया जाता है ये वो बकरे होते हैं, तो भालू को तो लोगों ने देख लिया तो इसको नहीं बादामी को नहीं देखा, तो थोड़ा सा बताएं कि क्या आप इसको जो है वो हाथ से ठुसाते हैं या ये खुद से खाते हैं? नहीं नहीं, खुद खाते हैं भाई। अच्छा नहीं तो ये तो कोई आदत ही नहीं हमारी, मकसद इसको जबरदस्ती नहीं करते हैं कि भाई जो है ना नहीं खा रहा, फिर भी
दो। अच्छा ये तो माशाल्लाह से इसने हमारे सामने खाया, ये क्या वजह थी कि बादामी ने अभी नहीं खाया है? ये अभी असल में इनका पेट भरा हुआ है। अच्छा ये पेट भरा हुआ है, ये थोड़ा सा जो है ना खा के फिर अट जाते हैं। अच्छा इनका तकरीबन 10-11 बजे तक रात। अच्छा इनको फिर जब तक इनका सही मैं देखता रहता हूँ। अच्छा आज मैं पटकाता हूँ, उसके बाद फिर ये इनका दिल होता है तो ये खड़े हो जाते हैं। अच्छा ये खड़े हो जाते हैं भाई, बल्कि ये बुलाते हैं। अच्छा आवाज़ करते हैं। हाँ कुछ चीज़ खानी है सही है, फिर मैं उस हिसाब से इनको जो है ना देता हूँ। अच्छा तो थोड़ा सा आप लोगों को बताएं ना कि ये मकसद आपने इसको तैयार किया है, तो ये जो है ना मेहनत की इसके ऊपर, तो ये मकसद कितना खाते हैं और मकसद है कि इनका टाइमिंग क्या होता है? असल में अभी जो सर्दियाँ होती है ना, सर्दियों में हाँ सर्दियों में लगने पर मैंने इनको चने खिलाए हैं। चने? हाँ सही है। सर्दी भगो के या चने भगो के? अच्छा ऐसे डायरेक्ट तो नहीं खिला सकते? नहीं 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 डायरेक्ट तो उसको लड़ जाएंगे ना। नहीं 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 वो भी यानी इनके मर्ज़ी के मुताबिक। अच्छा। ये नहीं है कि ज़बरदस्ती जनाब 1 किलो, ये नहीं। और दूसरा ये है कि इनको मैं तेल देता रहता हूँ। अच्छा सरसों का? हाँ सरसों का तेल और दही मिला के। सही है ये पिलाता हूँ। ठीक है फिर सफाई सुथराई ये तो बहुत ज़रूरी है जानवर के लिए, और मैं अपने हाथों से करता हूँ। सही है बाकी अगर मेरी कमी पेशी रह जाती है बच्चे हैं ये कर देते हैं। नहीं लेकिन ये ज़्यादा आपसे मानूस है ना, आप कह रहे थे कि आप जब कभी गांव वगैरह कहीं चले जाते हैं अपने तो ये टूट जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये तो असल में यही है ना कि जिस चीज़ के साथ आप मोहब्बत करोगे वो याद करते हैं। हाँ आप ये कुत्ता है ना ये हमारे घर में छोटा सा आया है और ये बकरों के अभी आप यकीन करो अभी हम इनको रस्सी डालें तो ये कुत्ता पकड़ के लेके आएगा। अच्छा रस्सी पकड़ के हम पकड़ने की जाते हैं कि रस्सी जो है वो फिर बात पलीत हो जाते हैं। सही है जोने पड़ती है बात, तो ये भी इनकी रखवाली करता है। सही है तो ये चीज़ के साथ आप मोहब्बत जितनी आप करोगे उस हिसाब से वो चीज़ रहती है। इधर ले आ ठीक है ना। तो हमने ये मैं चीज़ लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल कैसे आप? ठीक है अल्लाह का शुक्र है। तो ये भाई भी बैठ रहते हैं ये यहाँ से पूल के नाथ रखे। अच्छा माशाल्लाह ये भी ख्याल करते हैं। ठीक है सही हाँ इनका तो ये असल में चीज़ लेने की होती है भाई। अच्छा ऐसा काम नहीं आता हमेशा चीज़ आप लोगे देखभाल के लोगे वो। अच्छा तो जो नए शौकीन हैं या जो है ना दूसरे शौकीन हैं जो भले बहुत टाइम से पहने के गोट फार्मिंग कर रहे हैं और वो मकसद है उस तमीज़ से उस जो है ना शौक़ से मोहब्बत से नहीं कर रहे हैं, तो आप उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे कि किस तरीके से जो है गोट फार्मिंग करनी चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ नहीं, ईरान में, बांग्लादेश में, इंडिया में और जो है अफगानिस्तान में सब लोग आपको देख रहे हैं जो उर्दू ज़बान समझते हैं, तो आप उनको कोई पैगाम दें कि किस तरीके से इनको पालना चाहिए? और जो आपने अभी तेल की और दही का मिक्सचर की बात करी वो सारी चीज़ें उनको थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके से उनकी देखभाल करनी चाहिए। सबसे पहले तो भाई चीज़ जो है ना जब तक जान माल वक़्त तीनों चीज़ें लगती हैं। सही है ये ना कहे कि बंदा भाई ये मैं चीज़ ले आऊँ और इसको खाली आके बांध दिया है। सही या क्योंकि ये बेजबान तो नहीं है बोल के सकते नहीं है कि मुझे खाना भी खाना है या रोटी खानी है। सही आपने इसको जो चीज़ देनी है वही इसने खानी है। आप अगर इस चीज़ को आप सही इनको अगर रखने की नीयत से रखे हैं जी ये कुर्बानी की नीयत से रखे हैं तो उनको फिर आप उस हिसाब से उनकी देखभाल करें। सही सबसे पहले सही ठीक जी। फिर जान माल वक़्त का मकसद ये है कि इनको आपने वक़्त भी देना है ठीक है जी और साथ फिर आपका सरमाया भी खर्च होगा। सही जहर है कि अगर जेब की तरफ देखो भैया थोड़ा सा चीज़ आके डाल दो वो चीज़ वो नहीं बनेगी आपकी। सही है चीज़ आपकी तब बनेगी जब आप उसको खिलाओ पिलाओगे। सही खिलाओ पिलाओगे तब जब आपने इसको टाइम से आप जो है ना ये नहीं है कि बेटा ही आपने चीज़ एक दे दी जो नहीं खाने वाली हाँ भाई ये खली दे दो नहीं तेल भी देना है तो दही और तेल इसमें जो है इस करके थोड़ा सा मिला फेंटो। सही है हाँ फेंट के ये नहीं हर वक्त इनको जो है वो हफ्ते में डालते हैं ये चीज़ दो। सही ठीक है और ख़ास करके फिर सफाई सुथराई का और सर्दियों के सीज़न में इनको नहलाना नहीं चाहिए। सही है ठीक है ना गर्मियों में आप इसको नहलाओ दूसरे दिन चौथे दिन। अच्छा पाँच मकसद कि लोग कुछ लोग कहते हैं कि सर्फ़ और शैम्पू से नहीं नहलाया जाए सिर्फ पानी डाल दिया जाए। नहीं नहीं वो लैलन का साबुन आता है
लेलन, हाँ लेलन का साबुन, अच्छा वो निकल जाता है। अच्छा, उससे नलाओगे, शैम्पू से आप नहीं नलाओगे, क्योंकि बाल टूटने के भी बड़े मसले मसाल हो जाते हैं शैम्पू और सर्फ की वजह से। बाल टूटने का मकसद ये है कि बाल अगर टूटते हैं तो वो सेहत भी है, ये नहीं है। अच्छा, बाल इतने नए आते हैं, सही है, इतने बाल टूटते हैं नहीं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टूट जाते हैं ना कि फिर वो गंजा लगना शुरू हो जाता है। दूसरा ये है कि इनको थोड़ा सा आप खोलो, हाँ इस तरह भी हमने खोला हुआ है, इसको छोड़ दिया, सही है, ठीक है, कुछ भी नहीं कहते। बंदा कहता है ओहो यार, मैंने मर्दों को देखा है, औरतें तो औरतें हैं, मर्दों को देखा वो भागते हैं या मारेगा मारेगा भाई। अच्छा, ये इस तरह नहीं रहता है, इनको आप जो है थोड़ा सा टाइम दो इनको रस्सी, क्योंकि अगर बंदे को भी आप बंद करके रखोगे ना, आप उसको सोना खिलाते रहो, असर नहीं करेगा जब तक उसको आज़ादी नहीं दोगे। सही। अच्छा, कुछ लोगों ने ये भी पूछा है कि जो है वो मकसद है कि ये तो सिर्फ शौक़ जो है वो बकरे पालना या बड़े जानवरों को पालना, ये सिर्फ मर्दों का जो है ना काम है, औरतों को ये काम नहीं करना चाहिए, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? नहीं, मेरे तो अल्लाह की मेहरबानी से घर वाले भी शौक रखते हैं। अच्छा, हाँ ये उनकी नियत है। अच्छा, ये जो हमने रखा है, हाँ उनके उससे बोला जी मेरा है, हाँ ठीक है, और वो उसको पालती भी हैं सब कुछ कर। वो उनको रात को जब वो बैठता है उसकी बकायदा टांगों को वो दबाती हैं। अच्छा, हाँ वो टांगे ऐसी लम्बी कर देता है, हाँ है जी, तो बकायदा वो उनकी टांगों को जो है वो उसको दबाती है, ठीक है जी, तो कोई ज़रा भी जो है वो नफरत करने वाली बात नहीं है कि मेरे घर वाले जनाब नफरत करते हैं, यहाँ ले जाओ इनको पेशाब कर दिए ये वो, हाँ अगर मैं नहीं होता हूँ तो ये बच्चा है मेरा, ये उसको बिल्कुल जनाब अली उस हिसाब से, सही, इसको पता कि मैं यहाँ ड्यूटी कर रही है, सही, नहीं तो कहने का मकसद है कि चाहे मर्द हो औरत हो सब ये जो है ना शौक करें, बिल्कुल सही बात है, सही। अभी देखो ना ये तो मेहमान है भाई, जन्नत की चीज़ें, देखें व्यूअर्स आप लोगों का खर्चा जो है वो ख़त्म हो रहा है, ये अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अपने मुंह से खा रहा है। जो लोग ये सोच रहे थे कि जो है ना ये एक झूठ बात है कि इतने हैवी बकरे जो है वो बगैर हैंड फीडिंग के कैसे हो सकते हैं, हाथ से खुसाए बगैर कैसे बन सकते हैं, तो ये आपके सामने इसके अंदर जौ भी है, गंदम भी है, इसके अंदर जो है भूसा भी है, चने का छिलका भी है काले चने का, उसके अलावा इसके अंदर जो है वो मटर के जो दाल होती है वो भी है इसके अंदर, तो इसके अंदर जो है वो तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं, और आपके सामने देखें अपने मुंह से खुद खा रहा है, हम इसे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, आपको फोकस करके थोड़ा सा दिखा दें कि क्या क्या चीज़ें ये खा रहा है, आप देख लें अपनी आँखों से ताकि आपको इस बात पर एतबार हो जाए कि हाँ भाई वाकई में ये कोई झूठ बयान की बात नहीं है, ये खा रहा है। अब लगता है आपको फोकस सही से हो रहा होगा, आप देख लें इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, इसको ज़्यादा तंग किया जाएगा तो फिर ये खाना छोड़ देगा और ये अच्छी बात नहीं होगी। तो भाई जी जी सर, असल में मतलब ये है कि ये जो है ना ये बच्चा है मेरा, ये पढ़ता है, मतलब नाम है इसका। जी 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 जी, ठीक है, तो इसकी भी इंतहाई शौक़ है, हाँ ठीक है, ये खुद अभी जब ईद पे ये कटेंगे, हाँ फिर इसको परेशानी लग जाएगी, हाँ ये अब दो मिनट पहले से रोना शुरू कर देगा। हाँ यही मसला है। अच्छा, आप कौन सी ईद के कौन से दिन ज़बह करते हैं इनको? हम लोग कोशिश तो हमारी होती है पहले से करते हैं। अच्छा, सही है, लेकिन इस साल जो है ना हमारे बहुत सारे जो है ना इतने शायकीन हैं जो कि है ना इतने इस बात का शौक़ रखते हैं कि हम इन बकरों की कुर्बानी देखें, तो आप हमें पहले से वादा कीजिए कि बताएंगे कि किस दिन है ताकि वो देखने के लिए आ सकें यहाँ पे। हाँ वो ज़रूर, मैं आपके साथ रबते में हूँ इंशाल्लाह। हाँ आप ज़रूर हमें इन्फॉर्म कीजिएगा, हम उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाएंगे कि भाई इस तारीख को जो है ना इतने कसाई का अपॉइंटमेंट मिल गया है। अच्छा, कसाई से कटाते खुद काटते हैं? नहीं नहीं, वो कसाई आता है। कसाई आता है, इस काम में इतनी महारत नहीं है आपकी? मतलब नहीं नहीं, मैं वो कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन महारत कम है आपकी? नहीं नहीं नहीं, वो हम उस हिसाब से ना उनका गोश्त भी नहीं बना सकते हैं। हाँ नहीं नहीं, और जाहिर सी बात है जब आप एक चीज़ को पालते हो तो उसको उसके ऊपर छुरी फिराना वही इतना मुश्किल अमल होता है कि उसके टुकड़े करना, इस चीज़ से दिल छोटा हो जाता है आपका। अच्छा, बहरहाल आप ज़रूर बताइएगा कि किस दिन होगा ताकि बात कर लें, ये मजीद समझाएगा आपको, ये नौशर फरोज तक तो गया। अच्छा माशाल्लाह, आप नौशर फरोज तक गए अब्बू के साथ? अब्बू के साथ गया था। अच्छा, और अब्बू ने बताया था सांगड़ भी गए जाते हैं? सांगड़ अब्बू जाते हैं। अच्छा सही, तो आप ये बताएं कि आपको मकसद है कि सिंध के बकरे बहुत पसंद है? ये सिंध के बकरे मेरे को बहुत पसंद है। अच्छा, मतलब आपका कितना शौक़ है सिंध के बकरे? हाँ सही सही, मकसद आपको, आप क्या क्या महसूस करते हैं कि ज़िंदगी में इस शौक़ की वजह से आप कौन कौन सी बुराइयों से जो है ना इतने? बहुत सी बुराइयों से बच गए।
हाँ तो ये आप के साथ लगे रहते हैं, मतलब टाइम भी पास अच्छा हो जाता है। तो आप कोई पैगाम देना चाहेंगे जो यूथ है, आपकी इतनी उम्र के छोटे बच्चे हैं जैसे ये हैं या सब हैं, तो आप उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे कि जो है ना कोई मकसद है कि अगर आप ये शौक करेंगे तो आप बहुत सारी माशरती बुराइयों से बच सकते हैं। जो ना इनसे मतलब टाइम भी सही अच्छा गुजर जाता है, इनके साथ में बाहर बैठा होता हूँ, इनके साथ पूरा दिन जो है ना टाइम अच्छा गुजर जाता है। अच्छा। पता नहीं चलता मकसद ये है कि आप ये हलाल माल है ना, हलाल माल है। अच्छा मनोहर भाई आप थोड़ा सा ये बताएँ कि ज़ाहिर है आजकल की जो है ना कि नई न्यू मम्मियाँ आ रही हैं आजकल जो जो है ना थे मॉडर्न मम्मीज जो हो रहे हैं वो बोलती है बकरे को हाथ नहीं लगाओ, मुर्गे को हाथ नहीं लगाओ, आपको जरासीम लग जाएंगे, ये हो जाएगा वो जाएगा, आप उन्हें कोई पैगाम देंगे? ये सुनना था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, समझ गया ना, ये जितने इसके हाथ के आपका हाथ इनके कमर पे हाथ लगाएंगे ना, हाँ, जितने इनके बाल आपके हाथ के नीचे आएंगे इतने आपके नेकियां बढ़ेंगी और गुनाह चढ़ेंगे। अच्छा सबसे बड़ी बात तो ये है, ये कुर्बानी की चीज़ है। दूसरा इसमें कोई वो नहीं, अल्लाह माफ़ करे यार, हम हमारे जो है जो हमारा दौर था या हमारे घरों के अंदर जहाँ पे हमारे माल डंगर बंधे हुए थे, मतलब माल हुए यहाँ पे बंधे हुए थे, हमारी यहाँ पे चरवाही होती थी, पूजा भी करते थे, सब करते थे, ये तो आजकल का दौर ऐसा आ गया है, खाली शौक हो गया खाने का, ठीक है ना भाई, चीज़ें ले आओ और बाकी ये नहीं काट के और बारबेक्यू बना लो। हाँ ये नहीं, ये नहीं है, ठीक है, मोहब्बत नहीं रही ये, जब तक आप इसको मोहब्बत आप टाइम नहीं देंगे ये चीज़ इस तरह, मैं मेरे अपनी जो है नाकस सोच के मुताबिक तो ये चीज़ है कि इनके साथ कोई नफरत ना करो। सही, मैं तो ये कहता हूँ जितने भी सुनने वाले हजरात हैं, नहीं आपके तो बहुत सारे शौकीन, अब आपके जो है ना जो शौकीन नहीं भी हैं जो लोग आपको देख रहे हैं, हैदर भाई मैं आपको बताऊँ फालतू की चीज़ें जो है ना, हाँ ये भाई ये भी दे दो, गुड़ भी दे दो, ये भी दे दो, ये चीज़ों का आपको फ़ायदा नहीं है। सही, मैं कहता हूँ जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो इनको आप खिलाएं। सही, ठीक है ना, आप ऊपर इनको ऊपर चीज़ें देंगे वो ख़राब होगी। हाँ ठीक है ना, या इंजेक्शन लगवा दो, हम लोग मैं तो शौक रखता हूँ इन बकरों की कामोरी से जो मिलते जुलते हैं। दूसरा ये जो खसी नहीं करवा, नहीं खसी नहीं करवाता। हाँ ठीक है वो चीज़, लेकिन जो नहीं जो आपने एक तरीका बताया जो देसी तरीका है जिससे ये जो है वो पेशाब नहीं पीते हैं, अब देखें ना ये सामने हमारे बैठे हुए ना पेशाब पी रहे हैं ना बो बो करके आवाज़ें निकाल रहे हैं। हाँ तो मकसद है कि आपने वो तरीका जो अपना सरसों का तेल दही और उसका जो आप मिक्सचर बना के पिलाते हैं तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता है ना इस चीज़ के अंदर। बिल्कुल, ये एक देसी चीज़ है, देसी इलाज है। और इस दौरान इनको बकरियां ना दिखाएं तो फिर ये कभी भी इस तरीके की हरकत नहीं करेंगे। हाँ हाँ, जब बकरियों के साथ आप छोड़ोगे तो फिर हर दूसरे दिन बकरी आ जाएगी। हाँ तो फिर वो आप देते रहो तो उसका असर नहीं होगा। सही है, ठीक है ना, देना भी नस्ल भी ज़रूरी है, रोकनी नहीं चाहिए लेकिन कभी कभार, रोज़ रोज़ नहीं। हाँ और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपने जानवर पाला हुआ कुर्बानी के लिए हर दूसरे दिन बकरी के लिए दे रहे हो तो फिर वो नहीं है। अच्छा एक और बात कि अगर सपोज आपने किसी और को नहीं देना है और आपकी अपनी बकरियां हैं तकरीबन 8 बकरियां, तो उसके दरमियान में आपने उसको छोड़ देना है या अलहदा से बांधना है? नहीं वो बकरी जो है ना अगर आपने अपने घर के लिए 8 बकरियां अगर एक बकरे के साथ छोड़ दी तो कोई ऐसा मसले नहीं, कोई मसला फिर वो जान तो नहीं तोड़ेगा ना, वह बार बार पेशाब पीना और ये वाली हरकतें तो नहीं करेगा? वो नहीं करेगा, कोई होते हैं बकरे कई ऐसे होते हैं कि बच्चे उनको जब पैदा होता है ना बच्चा, हाँ तो बच्चे उनको छेड़ छेड़ के उसको इस चीज़ पे लगा देते हैं। सही, वो लगाते हैं और वो फिर वही हरकत करता है। सही है जी, और वो ऐसे इसको हाथ मारते हैं बकरा, हाँ। वो मारना शुरू कर देता है, ये देखो ना अभी कुछ भी नहीं कर रहा आपके साथ, हाँ। प्यार कर रहा है, प्यार कर रहा है। अब देखें व्यूअर्स देखो मेरे साथ कैसे प्यार कर रहे हैं और मेरे जो है ना इतने, हालांकि ये फुल ब्रीडर है, ये इतना खतरनाक ब्रीडर है के जो है ना इतने भालू भी इसके आगे कुछ भी नहीं है, मकसद ये हमने इसके साथ क्रॉस कराई थी बकरी, हाँ। तो इसने जो है ना इतने क्या बोलते हैं भालू से भी ज़्यादा अच्छा जो है ना इतने क्या बोलते रिजल्ट दिया था, और ये 2 दांत का है अभी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 15 महीने का होगा, इससे ऊपर नहीं होगी इसकी उम्र, हाँ। तो ये देखें मकसद बिल्कुल ना इसमें कोई स्मेल है ना कुछ, आपके सामने देखें मैं इसको हाथ लगा रहा हूँ कुछ भी नहीं कर रहा है ये। तो मनोहर अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो अपना इतना कीमती हमें टाइम दिया और लोगों की कन्फ्यूजन दूर की, बाकी ये बात ज़रूर आपके ऊपर एक हमारी तरह हमारी अमानत है कि जब भी जो भी दिन इसका तय होगा वो आप हमें बताएंगे ज़रूर, ज़ाहिर है वो अफसोस है आपके लिए लेकिन अल्लाह की राह में यही चीज़ अफजल है ना कि आप अपनी जो है ना कीमती से कीमती, बेशक कोई मसला नहीं है, ये भी नहीं है भैया, मैं दूसरी ये है कि मेरी ज़ाती तौर पर इसमें शौक है,
सही सही ठीक है ना। टाइम तो मैं भी मुलाजमत करता हूँ ज़ाहिर है जी, उसमें मुझे जाना पड़ता है ड्यूटी पे भी, बच्चे भी पढ़ रहे हैं घर में भी, फिर ये है इनको टाइम भी ज़रूरी है सही ठीक है, लेकिन शौक भी है। मैं जो देखता हूँ चीज़ बदलने वाली होती है वो मैं लेता हूँ, इतनी चीज़ें लेता हूँ मैं आगे जनाब वाली फिर वो कवर करना मुश्किल हो जाता। अच्छा, है आपसे कोई मशवरा मांगेगा कि मुनव्वर भाई आप हमारे साथ चलें तो क्या आप उसको है ना वो अब ये देखें ये बिल्ली के साथ जो है ना इतने खेल रहे हैं बिल्ली के साथ, ये देखें आप ना उसको खा रहा है ना कुछ कर रहा है, देखें ये एक बहुत ही अच्छा सा किस्म का माहौल है, ये कुकड़ यहाँ पे घूम रहे हैं, इनका चोरी करके बकरे का खाना खा रहे हैं तो बहरहाल वो जो है ना एक बहुत अच्छा सा माहौल है भाई। इस तरह नहीं है चीज़ जो है ना, ये हमसे भी बहुत समझदार लोग बैठे हैं भाई। नहीं लेकिन फिर भी अगर कोई एक आम सा बंदा जो आपके घर के नज़दीक में कुर्ब में रहता हो तो आप उसकी हेल्प करेंगे, उनके साथ चले जाएंगे बकरा देखने के लिए यही नज़दीक में अगर शहर में अगर आपको? हाँ किसी ने ज़रूर अगर कोई ऑफर की तो हमारे पास टाइम हुआ आप नंबर देना चले जाएंगे, कोई मसला नहीं। तो व्यूअर्स अगर आपको इनकी कोई भी हेल्प चाहिए हो, क्योंकि ये बकरे को जो है ना जब बच्चा होता है ना बकरा तब देख के और उस हिसाब से जो है ना बकरा खरीदते हैं, कोई मकसद जो बकरा इनको नज़र आ रहा है कि उसका बॉडी स्ट्रक्चर जो है ना फुल पावरफुल बॉडी स्ट्रक्चर है, उसी वजह से वो बकरे को पसंद करते हैं और ख़रीदते हैं वगैरह नहीं खरीदते। तो अगर आपको इनकी टाइम दो टाइम में हम इनको पानी देते हैं, बार बार पानी नहीं देते हैं, रोटी बिल्कुल हम जो है ना वो एक होता है बंदा रोटियां जनाब नान लेके आया इनको नाल वो भगो खिला दिया इनको भी कब्ज हो जाएगी सही, फिर पेशेंस भी आएंगे नहीं। रोटी हम इनको बिल्कुल थोड़ी सी इतनी सारे पराठा होता है कोई अगर एक दो वाले वो दे दिए तो दे दिए वरना हम नहीं। कौन सा वाला पराठा, मैदे का या ये चक्की के आटे? चक्की के आटे का सही, ये मेरे घर वाले जो है ना या वो चाय की जो पत्ती बची होती है हाँ वो कभी बच जाती है तो वो उसमें अंदर रोटी थोड़ी सी भगो के वो भी अपने। वो आप कितनी देते हैं? वो थोड़ा सा वो हर रोज़ नहीं है कि हर रोज़ उनको वो देती है, हर रोज़ नहीं देती। सही सही, मतलब कभी कभार आपने महसूस किया हफ्ते में एक बार तो ऐसा? चले व्यूअर्स, अगर इनको बुखार की शिकायत होती है मुझे तो पता चल जाता है इनको भी बुखार का है या इनको क्या मसला है हाँ। तो मैं फिर उस हिसाब से देर नहीं करता, ठीक है हॉस्पिटल ले जाते हैं आप? हॉस्पिटल लेता हूँ, लेके जाता हूँ दूसरा आरसी जो ये हाँ, रेडियो पाकिस्तान पे जो हाँ, पाकिस्तान उनके पास साथ उन जहाँ पे चंद्र कुमार साहब होते हैं, चंद्र कुमार साहब से मेरी दुआ सलाम है अच्छी माशाल्लाह। नहीं नहीं अभी हमने उनको जो है ना एक खास मिनिस्टर साहब ने जो है ना वो अब्दुल बारी प्रतापी साहब ने खास ताकीद की है कि कोई भी आए फ्री ऑफ कॉस्ट आपने इलाज करना है और किसी को कोई किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इतना इतना तक कहा है हमारे सामने कि अगर किसी को कोई परेशानी हुई तो समझना कि मुझे परेशानी हुई है, तो लिहाजा अगर मुझे परेशानी होगी तो मैं कैसा आपके साथ सलूक करूँगा वही सलूक उनकी परेशानी पे करूँगा। तो अब नहीं, वो भाई तावन करते हैं, मैं मेरे साथ तो करते हैं, दूसरे बंदों को मैं नहीं कह सकता हूँ कि यार दूसरे बंदों के साथ उनका तावन ऐसा है या ये पैसे लेते हैं ये करते हैं वो करते हैं। हम तो जाते हैं, हम उनको बोलते हैं यार ये बकरा चेक करो, अगर बुखार होता है वो बता देते हैं यार इसको बुखार है आप इसको जो है ना ले जाएँ ये दवाई दे दें, वो कोई दवाई मैं लेके आता हूँ सही ठीक है जी। अगर वो कहते हैं भाई इनको पेचस आ गए हैं तो इनको थोड़ा सूखा दो तो फिर हम सूखा खिलाते हैं ठीक है। हम ये नहीं करते कि ये जो है इनको फालतू की चीज़, मैं मेरी आदत सही सही ठीक है। चलें आपसे मिलके बहुत खुशी हुई और इंशाल्लाह ताला जो है वो अब आपके पास जो है ना हम आते रहेंगे, आपको जो है ना आपका शौक लोगों को दिखाते रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, आप जो है वो सब जो सुनने वाले हैं उनको सलाम देना जी जी, जो हमारे पास मालूमात है ना किसी हम जी आ रहे हैं। शुक्रिया शुक्रिया लोगों आप लोगों के लिए जो है वो ये एक बहुत इंफॉर्मेटिव काइंड ऑफ वीडियो थी जिसमें लोगों को कुछ शिकायत थी कि ये जो है वो हैंड फीडिंग पे है और ओन फीडिंग पे नहीं है, तो ये खुद अपने मुंह से खुद खाता है, जितना खाता है उतना ही खिलाते, कोई एक्स्ट्रा नहीं खिलाते। और ये माशाल्लाह से ऐसा कोई हैंड फीडिंग का बकरा गोश्त के अंदर चर्बी नहीं गोश्त में कोई हमको तैयार करके बताए तो हम उसको माने। हाँ एक बकरा है जिसका नाम है मस्ताना जो कि दिल मुराद बुकटी के पास है, तो दिलों के बादशाह के पास, तो वो तो अल्लाह ताला लेकिन जो है ना तो उसको हम ऐसे ही तंग करते हैं कि जो है ना एक तो क्या बोलते हैं दिल मुराद बुकटी दिलों के बादशाह। तो बहरहाल